खास खबर के प्रस्तुत करता है पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू की इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ खास बातचीत, भाजपा पर हमलावर हुए सुक्खू, प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, भाजपा को बताया कर्जदार सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कांगड़ा दौरा, जिला कांगड़ा के पालमपुर और कांगड़ा दौरे के दौरान किए 95 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास, पालमपुर में लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। ऊना गोलीकांड मामले में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने पंजाब के हुशियारपुर से 2 आरोपियों को लिया हिरासत में, आर्म्स एक्ट के तहत किया मामला दर्ज, आरोपियों को पकड़ने के लिए 8 टीमों का किया गया गठन। प्रदेश में फिर सक्रिय हो सकता है मॉनसून, अगले 96 घंटे तक बारिश होने का पूर्वानुमान, कुछ क्षेत्रों में किया गया येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल जम्मू पर आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, शिमला जिला के रामपुर में महिला नमन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, 17 सितंबर को इसका आयोजन होगा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शिरकत करेंगी और महिला मोर्चा रामपुर ने तैयारियों को लेकर बैठक भी की है, सीएम जयराम ठाकुर भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि शिमला जिला के रामपुर में महिला नमन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, 17 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी शिरकत करेंगी, इनके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि शिमला जिला के रामपुर में महिला नमन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, 17 सितंबर को इसका आयोजन होगा और इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। इस सम्मेलन को लेकर जो तैयारियां हैं, तैयारियों को लेकर भी जो है बैठक की गई है, महिला मोर्चा रामपुर ने तैयारियों को लेकर बैठक की है, सीएम जयराम ठाकुर भी इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि स्मृति ईरानी के साथ शामिल होंगे। महिला मोर्चा रामपुर ने तैयारियों को लेकर बैठक की है और तैयारियों का जायजा लिया गया है, सीएम जयराम ठाकुर भी इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने एक दिवसीय सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर मौजूद हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के बस्सी में पशु औषधालय भवन का शिलान्यास और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया है। वहीं मुख्यमंत्री का बस्सी पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने थरोट में थरोट उधार सौंदर्यकरण और हेलीपैड निर्माण कार्य की आधारशिला रखी है। जानकारी देते हुए उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अपने एक दिवसीय सराज विधानसभा क्षेत्र को लेकर बस्सी पहुंचे हैं और विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने अन्य जगहों का भी दौरा किया है। और एक विधायक होने के नाते स्वाभाविक रूप से आप सब लोगों के मन में एक चीज आती होगी,
विधायक से मिलना नहीं हुआ, मिले तो बात नहीं हो पाई। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से आपके मन में एक थोड़ी पीड़ा रहती है इस बात के लिए कि जैसे हम पहले मिला करते थे, बैठ करके बात करते थे, फुर्सत में वक्त गुजारते थे, वैसा वक्त अब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि अगर ये परिस्थिति बनी है तो उस परिस्थिति इस कारण से बनी कि एक जिम्मेवारी प्रदेश की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। इसलिए मुझे पूरे प्रदेश भर में सब जगह जाना पड़ता है, सबका काम करना पड़ता है, सबकी बात सुननी पड़ती है, और ऐसे करते करते अपने लोगों के जहां जिनके माध्यम से मैं चुन करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पांचवी बार पहुंचा, उनकी बात सुनने में थोड़ी कमी रह गई होगी, कसर रह गई होगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहां जहां जिसकी मदद होनी थी मदद करने की हमने कोशिश की, जहां जिस क्षेत्र में विकास को करने की जरूरत थी उस विकास को करने की हमने कोशिश की। आज मुझे इस बात की खुशी है कि यहां पर वेटनरी डिस्पेंसरी का भी हमारा शिलान्यास है, पशु औषधालय का शिलान्यास हुआ, और पीछे आप लोगों ने एक मांग की थी, पहले मुझे जानकारी लगी कि भाई शायद आपने हेल्थ सब सेंटर मांगा है, मैंने हेल्थ सब सेंटर के लिए हां कर दी, बाद में आप लोगों ने झगड़ा डाल दिया कि नहीं हमको तो हेल्थ सब सेंटर नहीं, हमको तो पीएससी चाहिए। तो हमने कहा भाई पीएससी तो बहुत जगह हो गई, अब काफी जगह हो गई ना, बोलता हमको चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर से इंडिया न्यूज संवाददाता जीवन कुमार से खास बातचीत की है, जिस दौरान वो भाजपा पर हमलावर नजर आए हैं और प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद देश और प्रदेश की जनता ने शायद ही कोई ऐसी सरकार देखी हो कि जिससे समाज का हर वर्ग दुखी है। वही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर कर्जदार और आम आदमी को लावारिस करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है ऐसी सरकार को जनता के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी तू डाल डाल मैं पात पात की स्थिति में है। इस वर्तमान स्थिति में कांग्रेस पार्टी कहाँ है बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सुक्खू जी, चुनाव की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? चुनाव की तैयारियां ठीक चल रही है और सिस्टमेटिक ढंग से कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रही है, और निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी की जो कुप्रबंधन की नीतियां हैं उनसे दुखी होकर इस बार कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएगी। भाजपा कहती है कि हम रिवाज बदलेंगे, कितना तर्कसंगत है ये दावा उनका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नारों पर तो बोलनी पड़ेगा, नारों पर वोट कैसे पड़ सकता है? ये वो सरकार आई आज़ादी के बाद से जहाँ समाज का कोई वर्ग खुश नहीं है। आज बागवान परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा साथी बेरोजगारी की लाइन में कतार लगकर खड़े होकर परेशान है, सब परेशान है, कोई खुश नहीं है। तो रिवाज नहीं, इस बार रिवाज बदलेगा जरूर, वो सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलेगा और सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन का रिवाज बदलेगा। भाजपा का सीधे तौर पर कहना है कि चुनावों में भाजपा का मतलब है जयराम ठाकुर, कांग्रेस का मतलब क्या है? देखिए, कांग्रेस का मतलब है कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का हाथ का निशान। हमारी पार्टी में व्यक्ति बड़ा नहीं है, विचारधारा बड़ी है जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। गरीब आदमी की आवाज़ अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, मजदूर की आवाज़ अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, दलित की कोई आवाज़ है तो वो कांग्रेस पार्टी है, किसान की जो आवाज़ है वो कांग्रेस पार्टी है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। ये जो आवाज़ है ये कांग्रेस पार्टी आम समाज की आवाज़ है, आम लोगों की आवाज़ है। इसलिए निश्चित तौर पर जब चुनाव होंगे आप पाएंगे हिमाचल की जनता जो जागरूक मतदाता है, जो जागरूक जनता है, वो इस परेशानी से वो इस परेशानी को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। आप ओपीएस लाने की बात करते हैं,
सनद रहे कि वर्ष 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी और हिमाचल में वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, तब भी कांग्रेस ने उपवास लागू किया फिर बंद कर दिया। उसमें दबाव कहा गया कि हमारे ऊपर दबाव है केंद्र सरकार का। क्या इस व्यवस्था में जब 2022 में विधानसभा चुनाव और केंद्र में 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो अब क्या दबाव नहीं है पार्टी के ऊपर? देखिए, अतीत कोई बात है कि अब क्या करनी, अब तो वर्तमान में हम जी रहे हैं और वर्तमान में हमारे सभी नेताओं ने कहा है कि हम ओपीएस देंगे। अब हम पिछली बातों को लेकर बैठेंगे तो अब हम भविष्य की ना तो सुगत कल्पना कर सकते हैं और ना वर्तमान में जी सकते हैं। हमने कह दिया कि ओपीएस देंगे तो ओपीएस देंगे। ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के राजीव शुक्ला जी ने भी आके कह दिया और जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वहाँ ओपीएस लागू हो चुकी है। यहाँ रोजगार की बात भी की जा रही है। आपकी पिछली सरकार के कार्यकाल की बात करें तो पीटीए, आउटसोर्स, कंप्यूटर टीचर, कई तरह की व्यवस्थाएं आप द्वारा लाई गई और करीबन 5,200 शिक्षक आज भी मझधार में पड़े हैं, तो आप किस रोजगार की बात कर रहे हैं? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि पीटीए आउटसोर्स की बात है, हमने कहा कि हम सभी जो रोजगार के अवसर हैं वो तकरीबन 5,00,000 के करीब हम रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे, जिसमें कुछ सरकारी में होंगे, कुछ अर्ध सरकारी में होंगे, कुछ निजी तौर पर होंगे, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में होंगे। कैसे रोज़गार के अवसर पैदा करने हैं, इस प्रकार से एक रोज़गार नीति बनाई जाएगी और कम से कम हिमाचल के जो 14,00,000 बेरोज़गार है उनको कहीं ना कहीं रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए रोज़गार नीति हमारे जो अभी गारंटी योजना है उसमें भी आएगी और हमारे घोषणा पत्र में भी है। भाजपा की अग्निवीर योजना सुखविंदर सिंह सुक्खू जी किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहली बार सेना को ठेके में दिया जा रहा है। अब जो अग्निवीर भर्ती होगा वो देश के लिए क्यों कुर्बान होगा? क्योंकि उसको पता है कि 4 साल के बाद मैंने रिटायर होकर आ जाना है। वो दुश्मन की जो गोली सीमा पार से आएगी वो पेड़ के पीछे छुप जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने जो भी सैनिक देश की सेवा में के लिए अपने को उपस्थित करता था कि मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, उसके लिए 18 साल की नौकरी का प्रावधान किया था। 18 साल के बाद जब वो रिटायरमेंट होकर आता था तो उसके लिए पेंशन का प्रावधान किया था और उसके बाद पेंशन के बाद उसको एक्स सर्विसमैन का दर्जा प्रदान किया गया था। एक्स सर्विसमैन के दर्जे के बाद हिमाचल प्रदेश में उनको दोबारा से सरकारी और अर्ध सरकारी में रोजगार के अवसर प्रदान करने की नीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई। 8 साल से मोदी सिंह की सरकार है, अग्निपथ योजना के साथ अग्निवीर बनाने की बात की गई है, लेकिन उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रखा गया है तो युवा क्यों उनको वोट देगा? कांग्रेस पार्टी में नेताओं की उठापटक बहुत देखी जा रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की राय क्या है इस बारे में? नहीं, कांग्रेस पार्टी से किसी नेता ने उठापटक नहीं की है। जो नेता गए हैं पिछली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से संबंधित थे। भारतीय जनता पार्टी में बहुत तकलीफ हो रही है, उठक पैठक हो रही है, इसलिए बार बार उनके पास अपना विकास गिनाने का तो समय नहीं है, ना उन्होंने विकास किया है और इसलिए वो कह रहे हैं कि रिवाज बदलेंगे। रिवाज तो तब बदलेंगे जब कुछ किया होता, तो जनता ने खुद ही बनना। और इतने बड़े जननेता नहीं है जयराम ठाकुर जी जो ये बात कह रहे हैं रिवाज बदलेंगे। इस बार का इलेक्शन अभी केंद्र का इलेक्शन नहीं है, ये राज्य का इलेक्शन है, राज्य की नीतियों का इलेक्शन है। 12,00,000 के करीब रोजगार कार्यालय में कतार लगा के खड़े हैं। महंगाई आसमान छू रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पुलिस भर्ती में भर्ती पेपर को नीलाम किया गया, तो क्या हिमाचल की जनता इतनी बेवकूफ़ है? 1,76,000 युवा पुलिस भर्ती में बैठे और भर्ती वाले 700 रुपये उनकी फीस थी और फिर पेपर लीक करवा के अपने रिश्तेदारों और अपने कार्यकर्ताओं को जो नौकरी के अवसर प्रदान करने की इन्होंने कोशिश की है, जनता ये सब जानती है, आने वाले समय में इसका जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिनका कहना है कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी और हमीरपुर को उनका खोया हुआ गौरव भी सुखविंदर सिंह सुक्खू लौटाने की बात कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुनील के साथ हमीरपुर से मैं जीवन कुमार।
कांग्रेस पार्टी ने रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली। रघुवीर सिंह बाली की अगुवाई में इस विशाल रैली को कांगड़ा से आगाज इसका किया गया और नूरपुर में इसका समापन हुआ। आरएस बाली की रोजगार संघर्ष यात्रा में हजारों का जनसैलाब उमड़ा। प्रदेश में आरएस बाली के समर्थन में बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लगभग 5,000 लोगों ने कांगड़ा और चंबा जिला में आरएस बाली के साथ मार्च किया। आइए इस यात्रा के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। कांग्रेस की जो संघर्ष यात्रा निकाली गई है, इसमें चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस ने 5,00,000 नौकरियां और 680 करोड़ के जो है फंड देने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी दर को देखते हुए 5,000 से अधिक लोगों को बेरोजगारी जो दर है उसको समाप्त करके रोजगार देने की मांग की जो है घोषणा की गई है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान भाजपा सरकार से युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करने के भी आरोप लगाए हैं और खिलवाड़ बंद करने को कहा गया है। चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस ने 5,00,000 नौकरियां और 680 करोड़ स्टार्टअप फंड का वादा किया है। कांग्रेस ने जो संघर्ष यात्रा निकाली है, इसके ये जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी दर को देखते हुए 5,000 से अधिक लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोला है। सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं। AICC सचिव के नेतृत्व में 4 दिवसीय यात्रा को कांगड़ा और चंबा जिला में भारी समर्थन मिला। आरएस बाली की अगुवाई में ये कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान भाजपा सरकार से युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के जो आरोप लगाए हैं और कहा गया है कि इस तरह का खिलवाड़ युवाओं के साथ ना किया जाए। यात्रा में हजारों लोग नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों के, इससे पता लगता है कि राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस की नीति के साथ, अजय महाजन जी के साथ नूरपुर के भूतपूर्व जनता, नूरपुर का बेरोजगार रोजगार आगे मांगने के लिए, विकास करवाने के लिए, कि आगे जाके हमें एक द्वारा से वही ऐतिहासिक जो इन्होंने रात दिन प्रयत्न किया था नूरपुर को आगे पहुंचाने का, उसी तरफ लेके जाना है। और राहुल गांधी जी की सोच को रोजगार के लिए, और राहुल गांधी जी की सोच को देश के लिए, राहुल गांधी जी की सोच को हर एक इंसान जो कि जरूरतमंद है उसके लिए मजबूत करने के लिए हम सभी कांग्रेसी इकट्ठे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं, राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के हम लोग चल रहे हैं। हम रात दिन चलेंगे, उनको मजबूत करेंगे। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने पर कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल की जाएगी। कांग्रेस ने इसकी कर्मचारियों को गारंटी दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग के चेयरमैन अमित नंदा ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर ही OPS लागू कर दिया जाएगा और कहा है कि कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनने पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन के अपने वादे पूरे किए हैं, जहां कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ मिलने लगा है। अमित नंदा ने कहा है कि अब हिमाचल की बारी है। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू करने के लिए राज्यों पर दबाव डाला है। राज्यों से कहा गया है कि अगर नई पेंशन स्कीम लागू ना की गई तो उनकी वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगी। इसके चलते हिमाचल को भी इसको लागू करना पड़ेगा। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर जो कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई गारंटी है, जो कि नंबर एक गारंटी है, उसे सरकार, कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर लागू किया जाएगा, उस बारे में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस तरीके से बेहतर है पुरानी ओल्ड पेंशन जो नई पेंशन? देखिए, बहुत बहुत सारे इश्यूज हैं इस चीज़ को, एम्प्लॉयज़ को समझने में जो है वो भी बहुत बड़ा समय लग गया। जब हम इसका कंपैरिजन देखते हैं तो इसमें GPF को लेके एक बहुत बड़ी वो है डिफरेंस है, हमारे ओल्ड जो फैमिली पेंशन है उसको लेके बहुत बड़ी एक डिफरेंस है, जो कंट्रीब्यूटरी अब ये पेंशन 10% मैंडेटरी आप एम्प्लॉय की तनख्वाह का पैसा काट रहे हैं वो एक अलग डिस्क्रिशन है। ये जो पैसा है ये इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है, स्टॉक मार्केट के रिस्क से आप लोग जो है भलीभांति आप लोग परिचित हैं। कल को अगर कोई ग्लोबल रिसेशन या कुछ ऐसा कोई इशू हो गया तो हमारे कर्मचारियों भाई गाँव का जो पैसा है उसके डूबने का खतरा है। तो ये मुख्य मांगे हैं और कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हमेशा ही जो है काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी जो है ये लोग
इन सब चीज़ों पे रिसर्च करते रहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इनकी ये जो मांगे हैं ये नाजायज़ है, बिल्कुल सही मांग है और जो है कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर समर्थन। हमीरपुर शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुली गिरने से यातायात ठप हो गया है। घागस के करीब 1.5 किलोमीटर पीछे कड्डी के पास ये पुली गिरी है और जिसके बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। हादसे में कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। डीएसपी बिलासपुर राजकुमार ने राजमार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को डाइवर्ट रूट के बारे में भी व्यापक जानकारी दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की गाड़ियां जिन्होंने विभिन्न गंतव्य स्थानों पर जाना है वो इन रूट का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जगह जगह साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं ताकि यात्री एवं स्थानीय लोगों को रूट के बारे में व्यापक जानकारी का पता चलता रहे। घर के नज़दीक जो पुली थी उसके काफ़ी दिनों से जर्जर हो चुकी थी और इसमें भगवान की कृपा से कोई बड़ा हादसा ना हुआ है और इसमें हम प्रशासन से विनती करते हैं इसको जल्दी जल्दी तैयार किया जाए और हम लोगों को बच्चों को जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल किया जाए। सरकार से हम विनती करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी प्यार करने की कृपा करें। धन्यवाद। ये सर, ये पुली जो है वो घाघर से तकरीबन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो कंद्रौर को रोड निकलता है, नेशनल हाईवे 103 है शिमला से धर्मशाला, तो ये घाघर और कंद्रौर के बीच का पॉइंट है और यहाँ पर एक पुली जो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई है, ठीक है। इसमें जो मतलब अल्टरनेट रूट है, तो हमारा लोगों से ये अपील है कि जो भी व्यक्ति धर्मशाला से शिमला के लिए विजिट कर रहा है तो वो कंद्रौर से बाया बिलासपुर बाज़ार होते हुए नौणी होते हुए ब्रह्मपुखर निकले, उनसे हमारा ये अनुरोध है। और दूसरा, जिसने शिमला के लिए शिमला से धर्मशाला जाना, घुमारवी जाना, झंडोता जाना, तो उनके लिए भी वापसी में यही रूट है कि नौणी से सीधा मतलब नमोल से सीधा ब्रह्मपुखर, फिर नौणी, फिर बिलासपुर, फिर उसके बाद कंद्रौर चौक से कंद्रौर पुल होते हुए जो है वो घुमारवी या उससे अगले स्टेशन या झंडोता की तरफ को मूव कर सकता है। दूसरा ये कि जो मंडी की तरफ से कोई व्यक्ति आ रहा है और उसका ये टारगेट है कि मैंने कंद्रौर चौक होते हुए घुमारवी जाना है या झंडोता जाना है, उनके लिए एक अल्टरनेटिव रूट और है जिसमें वो बरमाणा आएंगे तो बरमाणा से एक लिंक जो निचली साइड से आता है सलनू खंगड़ होते हुए, तो वो रूट सीधा ही कंद्रौर चौक के पास आके मिलता है, तो उस रूट को जो है वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो पॉइंटों पर जो पुलिस भी डिप्यूट कर दी गई है तथा इसके लिए कुछ मतलब साइन बोर्ड भी रास्ता बंद होने के जो है लगा लिए गए हैं। तो मेरा सभी जो भी विजिट करने वाले जो भी यात्री हैं तो उनसे अनुरोध है कि वो इन रास्तों का जो प्रयोग करें ताकि इन लोगों को कोई असुविधा का फेस ना करना पड़े। जी सर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को जिला कांगड़ा के पालमपुर और कांगड़ा दौरे के दौरान 95 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने पालमपुर में लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं, जबकि कांगड़ा में 53 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वर्ष प्रत्येक भारतीय और विशेष रूप से प्रत्येक हिमाचली के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि जहां राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, वहीं हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व के 75 वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बनाने में प्रत्येक व्यक्ति ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मालूम नहीं कांगड़ा में किस प्रकार से खारी स्थिति होगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पवन काजल जी यहाँ एक लोकप्रिय नेता हैं और लोकप्रियता का पैमाना लोगों की भीड़ होता है, और जब इन्होंने मंच पर से जब इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैंने यहाँ आकर के ठीक किया, तो सब पंडाल में हाथ खड़े करके सब लोगों ने कहा कि आपने ठीक किया, और इसका एक संदेश जाता है कि लोगों के मन का भाव भी यही था कि पवन काजल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, और इन्होंने भी
उनके दिल की बात को समझ लिया और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर, अब जीत की राह में, सुनहरी राह में क्या आपको लग रहा है? मैं कह रहा हूँ कि कांगड़ा में जीत होगी, शानदार जीत होगी, बहुत बड़ी अंतर से जीत होगी। आपकी ही पार्टी के जिला परिषद चुनाव लड़ने का आगाज कर चुके हैं, उस डैमेज को क्या? देखिए, ऐसा है कि उन साथी हैं, उनसे बात करेंगे। अभी तो चुनाव का दौर दूर है, नहीं ब्लैकमेलिंग नहीं था। देखा उनका ऐसा था, उनको लगा कि अब जो लोगों के बीच में जा करके लोगों ने इनसे कहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो इनका मन ये था कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं, तो उनमें से अधिकांश चीज़ों को हमने कहा है कि ये करेंगे ही। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें कि रामपुर में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, कुछ पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, रामपुर से सामने आ रही है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आगामी चुनाव को देखते ही लगातार जो है सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी जो हैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। रामपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेसी पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की समक्ष उन्होंने जो सदस्यता ली है, आम आदमी में जुड़ने वाले कुछ पंचायत प्रधान भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा जो है आपका दामन थाम लिया गया है। रामपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के समक्ष सदस्यता ग्रहण की गई है और आम आदमी पार्टी में जुड़ने वालों में कुछ पंचायत प्रधान भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर में सामने आ रही है। रामपुर में कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के समक्ष ये सदस्यता ग्रहण की गई है और आम आदमी पार्टी में शामिल होने वालों में कुछ पंचायत प्रधान भी शामिल हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए लगातार ही सियासत गर्माती जा रही है। एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जो लोग हैं शामिल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही प्रदेश में सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं, तेज होती जा रही हैं। रामपुर में भी कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आम आदमी पार्टी अब एक तीसरे विकल्प के तौर पर जो है प्रदेश में उभरने लगी है। पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो है मुकाबला हुआ करता था, लेकिन अब प्रदेशवासियों को एक तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी मिल गई है। आम आदमी पार्टी लगातार ही प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रही है, अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए चुनावी रैलियां की जा रही हैं और जनसभा को भी संबोधित किया जा रहा है। लोगों को रुझाने की जो लगातार कोशिशें हैं आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही हैं। रामपुर में कांग्रेसी पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आप पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के समक्ष ये सदस्यता ग्रहण की गई है और आम आदमी पार्टी में जुड़ने वालों में कुछ पंचायत प्रधान भी शामिल हैं। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के सामने ही जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। रामपुर में कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। एक तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी प्रदेश में उभरने लगी है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। सियासी अखाड़ा लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में कुछ पंचायत प्रधान भी शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेषर नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विशेषर, कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है रामपुर में, फिलहाल क्या अपडेट है? जो आज आम आदमी पार्टी की बैठक हुई, उसमें जो कांग्रेस के जैसे ब्लॉक के उपाध्यक्ष हैं और कूट पंचायत के प्रधान भी है, उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो है विधिवत सदस्यता ली है और आज उन्होंने कार्यालय जाकर पार्टी कामकाज को भी संभाला है। और इसके अलावा दत्तनगर पंचायत के उप प्रधान है, जो युवा कांग्रेस के पूर्व में सचिव भी रहे हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा। और इसके अलावा नठरी जोन के लोग भी हैं और कुछ अन्य कार्यकर्ता भी जिन्होंने कांग्रेस से जो है जो नाराजगी जताते हुए, उनके कार्यकलापों से नाराज रहकर होते हुए आम आदमी पार्टी का जो है दामन थामा है।
और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बताया कि अभी और भी कांग्रेस के लोग जो है वो उनके साथ लगातार संपर्क में है, वो कांग्रेस के जो कामों से नाखुश है और वर्तमान प्रदेश भाजपा सरकार से भी वो जो है जिस तरह के काम है उससे उन्हें जो दूर दराज के क्षेत्रों में विकास होना चाहिए था उससे नाखुश है और काम हो नहीं पा रहे और शिक्षा और स्वास्थ्य जो है यहाँ के मूलभूत सुविधाएं वो चरमरा गई है। तो उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली मॉडल जो है हिमाचल में भी लागू होगा, इसलिए जो है आम आदमी पार्टी की ओर जुड़ रहे हैं। जी जी विशेश्वर, तो आम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल जम्मू के साथ। नमस्कार।